कंप्यूटर विद तेजस ठक्कर में आपका स्वागत है। इस वीडियो सेशन में हम CSS मींस कैस्केडिंग स्टाइल सीट के बारे में प्रैक्टिकल देखेंगे। CSS जो है एक तरह से स्टाइल सीट है। जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तो एक स्टाइल सीट डिफाइन करने के लिए CSS का यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कंपोजर प्रोग्राम जो है उसके थ्रू किस तरह से हम CSS डिफाइन कर सकते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपोजर में जो ये कंपोजिशन टूल बार जो है उसमें लास्ट में यहाँ पर आपको CSS एडिटर का एक टूल बटन आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं CSS एडिटर का। सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से पेज टाइटल जो हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं या वेब पेज क्रिएट करते हैं तो टाइटल बार में जो वेबसाइट का नाम डिस्प्ले होता है वो यहाँ पर सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं www.css.com इस तरह से मैं एक वेबसाइट का जो टाइटल जो होता है पेज का टाइटल वो यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे मैं ओके बटन पर क्लिक करूँगा तो वो फाइल का नाम जो है वो स्टोर करने के लिए आपको बोल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं css.html इस तरह से आपको डिफाइन करना है। ये html फाइल है तो वेब पेज जो है उसका फाइल एक्सटेंशन .html आपको कंपलसरी रखना होगा। देन क्लिक ऑन दिस सेव बटन। यस, इसके बाद आपको इस तरह से css टाइल सीट्स का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डाउन एरो की यहाँ पर रेक्टेंगुलर आपको ट्राइंगल शेप में दिखाई दे रहा है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं कि आपको जो ये CSS जो है कैस्केडिंग स्टाइल सीट किस एलिमेंट के लिए डिफाइन करना है वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ है H1 टू H6 जो हेडिंग टैग है उसके लिए आप डिफाइन कर सकते हैं। एड्रेस के लिए प्री मीन्स पर प्री फॉर्मेट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर H1 जो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज जो होता है उसके लिए मैं ये यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ। सो कोई भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर H1 के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ। ये लेने के बाद आपको यहाँ पर एक जो बटन दिखाई दे रहा है क्रिएट स्टाइल रूल, इसके ऊपर आपको प्रेस करना है। सो इस तरह से आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आप देख सकते हैं ये जनरल जो है जिसके अंदर स्टाइल रूल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सिलेक्टर। एक्चुअल में आपने देखा होगा CSS इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सिलेक्टर जो यहाँ पर हमने H1 लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज, ये अलग अलग दो और पार्ट्स होंगे। सो सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, अभी हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी और वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की है तो यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है। स्टेप बाय स्टेप जैसे हम डिफाइन करेंगे उस तरह से आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। सो नेक्स्ट जो स्टेप जो हमारा है वो सबसे पहले हम टेक्स्ट जो है इसके लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। अलग अलग ऑप्शंस आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर हो रहे हैं डिस्प्ले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक जो है प्रीव्यू बॉक्स है जिसके अंदर जस्ट फॉर योर नॉलेज के सभी अल्फाबेट्स A to Z, ये एक जो सेंटेंस होता है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसके अंदर सभी अल्फाबेट्स इंक्लूड है A to Z। सो यहाँ पर ये प्रीव्यू बॉक्स में आपको जो भी आप डिफाइन करोगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। सबसे पहले हम फॉन्ट फैमिली जो है उसको डिफाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी अनस्पेसिफाइड है, आपको सबसे पहले इसको प्री डिफाइन करना है। अलग अलग 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स इज अवेलेबल इन कंप्यूटर, इट्स सैरिफ, सेंस सैरिफ एंड मोनोस्पेस। सो ये तीनों तरह के फॉन्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप जो भी फॉन्ट यहाँ से लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जैसे एरियल, हेलवेस्टिका जो है वो सेंस सैरिफ के एग्जाम्पल्स हैं, सैरिफ फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन जो हम देखते हैं वो, कुरियर न्यू और कुरियर जो है वो मोनोस्पेस है। सो आप कोई भी आप देख सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अभी प्रीव्यू बॉक्स में यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। ओके, जैसे मैं अभी सैंस सैरिफ फॉन्ट ले रहा हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉन्ट वेट है। जैसे आप क्लिक करोगे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर डिफाइन होंगे। जैसे मैं फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड कर रहा हूँ। फॉन्ट स्टाइल जो है वो यहाँ पर मैं इटैलिक्स कर रहा हूँ। केस जो है वो अपर केस, लोअर केस, इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपर केस जो है उसके ऊपर प्रेस करने वाला हूँ। अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई आप ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट ले रहा हूँ। ओके,
नाउ अलग अलग इस तरह से टेक्स्ट डेकोरेशन रिलेटेड भी यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे अंडरलाइन है, ठीक है, ले सकते हो, अदरवाइज कैंसिल कर सकते हो। फॉन्ट कलर यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ भी अभी ब्लैंक है, यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो अलग अलग फॉन्ट कलर जो है, जैसे मैं यहाँ पर रेड कलर ले रहा हूँ, देन क्लिक ऑन दिस ओके बटन, तो इस तरह से आपको प्रीव्यू में टेक्स्ट रिलेटेड जो भी हमारे ऑप्शंस जो है वो इस तरह से डिफाइन हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप दो तरह से दे सकते हो, फर्स्ट वन इज कलर, आप देख सकते हो यहाँ पर वाइट कलर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहो तो इमेज जो है वो भी यहाँ से चूज फाइल के थ्रू आप ले सकते हो। फिलहाल हम अभी इमेज जो है उसकी जगह हम कलर जो है बैकग्राउंड में वो सेट करने वाले हैं। सो क्लिक ऑन दिस बटन, जैसे मैंने यहाँ पर येल्लो कलर ले लिया, एंड क्लिक ऑन दिस ओके बटन। ओके, अब येल्लो कलर यहाँ पर डिफाइन हो गया है। अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है तो फिर से आप टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको इसका प्रीव्यू दिखाई देगा, जिसमें येल्लो कलर जो है उसका बैकग्राउंड पे आपको डिस्प्ले होगा। नाउ थर्ड वन इज बॉर्डर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक मार्क यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, ऑल फोर साइड्स यूज सेम बॉर्डर स्टाइल। इसका मतलब ये है कि सभी तरफ एक सी बॉर्डर स्टाइल यहाँ पर आप डिफाइन करने वाले हो। टॉप में जो आप यहाँ पर लोगे, जैसे यहाँ पर अलग अलग आप देख सकते हैं ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पर मैं डॉटेड बॉर्डर डिफाइन अगर करता हूँ तो ये सेम आपको चारों तरफ इस तरह से डिफाइन हो जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये टिक मार्क निकाल दूंगा तो आप अलग अलग जो भी बॉर्डर चाहो उस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डबल ले लिया साइड में, ओके, राइट में और लेफ्ट में भी मैंने जैसे डबल ले लिया, तो एक अलग तरह से आप बॉर्डर भी डिफाइन कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। सो और इसका भी अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो टेक्स्ट में यहाँ पर बॉर्डर का प्रीव्यू यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, पर जब आप आउटपुट देखोगे वेब ब्राउजर में या फिर कंपोजर में, अभी मैं आपको डिस्प्ले करने वाला हूँ, तो उसमें ये आपको आउटपुट बॉर्डर का भी डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो आपके सिलेबस में ये जो तीन ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किए। अब आप जब जनरल पर क्लिक करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये पूरा ब्लैंक था, आप देख सकते हैं ये पूरा अभी जो जो हमने डिफाइन किया है, जो भी स्टाइल रूल्स के रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसको मैंने डिफाइन किया, तो ये पूरा अभी बॉक्स जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल है, उसी तरह से सिलेक्टर जो है वो यहाँ पर H1 है, जिसका प्रॉपर्टी जो है वो कलर है और उसकी वैल्यू जो है वो रेड है। ओके, टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ, तो ये थियोरिकल जब बोर्ड एग्जाम होती है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। सो अलग अलग जैसे ये बॉर्डर स्टाइल जो है वो प्रॉपर्टी है, एंड डॉटेड बॉर्डर, डॉटेड डबल जो हमने लिया है वो उसकी वैल्यू है। ओके, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, ये अलग अलग प्रॉपर्टी है और उसकी अलग अलग वैल्यू यहाँ पर सामने डिस्प्ले हो रही है। सो इस तरह से डिफाइन करने के बाद ओके बटन पर आपको प्रेस करना होगा। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो भी डिफाइन किया है उसका आउटपुट यहाँ पर अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो उसका डिफाइन जो किया हुआ है, जो H1 के लिए, हेडिंग वन के लिए हमने डिफाइन किया है, वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जब आप इसके ऊपर प्रेस करोगे तो आप देख सकते हैं अलग अलग जो ऑप्शन CSS में डिस्प्ले हो रहे थे वो यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ से जैसे ही मैं H1 लेता हूँ, हेडिंग वन, तो वो हमारा जो स्टाइल सीट जो है, CSS जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं सभी जो कैरेक्टर्स जो है वो कैपिटल में टाइप हो रहे हैं, बैकग्राउंड कलर जो है वो येल्लो डिस्प्ले हो रहा है, डॉटेड और साइड में आप जो बॉर्डर जो है वो डबल देख रहे हैं, सो सेंटर अलाइनमेंट भी है, जो जो हमने लिया था सैन सेरिफ है, सो जो भी हमने डिफाइन किया है स्टाइल रूल के अंदर वो ये सभी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसको क्या करना है, हमें सेव करना होगा। ओके, ऑलरेडी हमने एक बार सेव किया था तो ये ऑटोमेटिकली css.html के थ्रू सेव होगा, यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले हो रहा है www.css.com, ये पेज टाइटल है। अब हमें करना होगा जो हमारे पास वेब ब्राउजर है उसके अंदर हम ये डिस्प्ले करने वाले हैं, तो जैसे मैंने अभी मोजिला फायरफॉक्स जो है वो मैंने ओपन कर दिया है। अब आपको करना है फाइल मेनू में जाकर, ये ओपन फाइल है, डेस्कटॉप पर हमने ये फाइल स्टोर की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं css फाइल है, तो ओपन जैसे ही करते हैं तो इस तरह से
आपको CSS जो है स्टाइल सीट वो यहाँ पर इस तरह से आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से आप CSS जो है कर सकते हैं। CSS रिलेटेड कोई भी अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। और कोई भी आपकी क्वेरी और क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।